प्रदेश के हर ग्राम जिला में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं एवं इन संभावनाओं के तहत पर्यटन विकास के द्वारा रोजगार सृजित करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। ये बात पूर्व में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक एवं प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रमुख नरेंद्र अत्री ने टीहरा पंचायत द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर टूरिज्म स्काउट इंडिया स्पैरो यूनाइटेड फोर्टिंग क्लब द ट्रेवर ट्रेल के सहयोग से आयोजित इस स्टेप टूवर्ड्स कमला फोर्ट क्रॉस कंट्री मैराथन के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि सैकड़ों खिलाड़ियों एवं क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहे। इससे पहले मैराथन के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि कमांडेंट प्रकाश पठानिया टूरिज्म स्काउट इंडिया के निदेशक अनिल अत्री प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल परमार मौजूद रहे। ये जानकारी टीहरा पंचायत प्रधान एवं भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पठानिया ने दी। उन्होंने कहा कि इस मैराथन का आयोजन हर वर्ष ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण स्वच्छता एवं नशा मुक्त युवा का संदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। नरेंद्र अत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पिछले लगभग 3 दशकों से बन रहा टीहरा कमला गलू ब्रहल कमला रोड सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएगी जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास एवं रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। लगभग 395 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर कमला किले का भी संरक्षण होगा तथा प्रदेश व देश के लाखों श्रद्धालु जिसकी बाबा कमलाहिया में अपार आस्था है को भी सुविधा मिलेगी। अत्री ने कहा कि 2014 तक देश में एयरपोर्ट की कुल संख्या 65 थी परंतु मोदी सरकार ने मात्र 4.5 साल के कार्यकाल में 35 नए एयरपोर्ट बनाकर देश में विकास गति तीव्र करने की वचनबद्धता दिखाई है। इस प्रतियोगिता में टीहरा पंचायत के पूर्व प्रधान रूपचंद, टीहरा पंचायत के पूर्व उप प्रधान हेम सिंह पठानिया, बधेड़ पंचायत के पूर्व उप प्रधान सुदेश कुमार, तनिहार से अरुण कुमार, कार्यक्रम संयोजक सन्नी संतोष, रिंकू कुमार आदि उपस्थित रहे। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टूरिज्म स्काउट्स इंडिया, द ट्रैवलर ट्रेल और टीहा पंचायत को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शानदार मैराथन आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। विशेष धन्यवाद करता हूं आयोजकों का कि जिस उद्देश्य को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए इन्होंने ये मैराथन आयोजित की वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है। चाहे वो युवाओं को नशे से दूर करने की बात हो, चाहे वो अपने आसपास अपने क्षेत्रों में स्वच्छता लाने की बात हो, या फिर हमारा जो साढ़े लगभग 400 वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है कमला फोर्ट उसको संरक्षित करने का संदेश देने की बात हो, ये सारे जो विषय हैं अति महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यदि चाहे पर्यटन विकास करना हो या फिर राष्ट्र का विकास करना हो, युवाओं का स्वस्थ होना दोनों ही परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है। और सौभाग्य से आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर उस तरह की सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में जो सरकारें सुनिश्चित करने में लगी हैं कि देश का चहुंमुखी विकास हो, चाहे बात पर्यटन विकास करके स्वरोजगार सृजन करने की बात हो या फिर स्वच्छता के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना करने की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं जिम्मेवारी के साथ काम कर रही हैं और ये सुनिश्चित करने में लगी हैं कि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बने, एक विश्व गुरु की जो हमारी छवि है वो फिर से स्थापित हो।